नमस्कार। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक शॉक पर। एसी या डीसी करंट या वोल्टेज या कुछ और फैक्टर होते हैं, उनका ह्यूमन बॉडी पे क्या असर होता है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो कितना जोर से लगता है वो इन बातों पे निर्भर करता है, जैसे वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, बॉडी का रेजिस्टेंस क्या है, जो हमारी स्किन है वो सूखी है या गीली है, हमारी बॉडी में करंट का पाथ क्या है, एसी है या डीसी है, अगर एसी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मेल है या फीमेल है, इस पर भी निर्भर करता है, हमारी बॉडी का मास क्या है और कितनी देर के लिए करंट लगती है। हम इन सब बातों के बारे में आपको बताएंगे। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक के लिए करंट या वोल्टेज कौन ज़्यादा मायने रखता है। अब इलेक्ट्रिक शॉक का फैक्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो करंट के मैग्नीट्यूड और टाइम ड्यूरेशन पर निर्भर करता है कि कितना जोर से शॉक लगेगा। यहाँ पर एक सिंपल सर्किट हमने दिखाया है, ये सप्लाई है एसी और डीसी और ये बॉडी का रेजिस्टेंस है। दो जगह हमने स्किन दिखाई है और एक जगह इनसाइड ऑफ दी बॉडी का रेजिस्टेंस दिखाया है। मान लीजिए हमारे हाथ में शॉक लगता है और हम जमीन में खड़े हैं, तो जो करंट पहले आएगी हाथ के स्किन से अंदर जाएगी बॉडी के, फिर बॉडी के अंदर जाएगी, उसके बाद पैर के स्किन से बाहर निकलेगी और जमीन में चली जाएगी और इस तरह सर्किट पूरा हो जाएगा। तो ये करंट स्किन में दो बार बहती है और एक बार इनसाइड ऑफ दी बॉडी। तो इसमें जो करंट है वो बराबर होगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर। ये आर क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। अब ये जो आर होता है बॉडी का टोटल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज होती है, 1 किलो ओम से 2000 किलो ओम तक। और मेजर रेजिस्टेंस स्किन का होता है, जो बॉडी के अंदर का रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, 500 ओम से भी कम। तो अगर स्किन कट गई है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस के वेरिएशन होने से हम नहीं बता सकते कि कितने वोल्टेज पे कितनी करंट बहेगी। अगर किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है बॉडी का तो वो ज़्यादा वोल्टेज ले जाएगा, किसी की बॉडी का रेजिस्टेंस कम है तो वो कम वोल्टेज पे ही उसको शॉक लगेगा। इसीलिए किस लेवल के वोल्टेज पर डेंजर होगा ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इसीलिए हमेशा अधिकतर हम करंट की बात करते हैं। अभी आगे हम कुछ आपको इक्वेशन और प्लॉट दिखाएंगे, वो करंट के बारे में ही दिखाएंगे। अब रेजिस्टेंस चेंज कैसे होता है बॉडी का, यहाँ हमने कुछ फैक्टर दिखाए हैं जो बॉडी के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे है स्किन कंडीशन, जो हमारी खाल है या स्किन है वो सूखी है या गीली है, पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर क्या होता है कि अगर हम करंट को छुएं कुछ समय तक तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है धीरे धीरे, और फिर अगर स्किन बर्न हो गई या कट हो गई करंट की वजह से तो रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम हो जाएगी
तो करंट और बढ़ जाएगी, तो डेंजर और बढ़ जाएगा। अब हम आपको बॉडी का रेजिस्टेंस ड्राई और वेट कंडीशन में मेजर करके दिखाते हैं। अब हम अपने बॉडी का रेजिस्टेंस नापेंगे, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, और हमारा जो हाथ है वो सूखा है, स्किन ड्राई है, तो देखिए कितना रेजिस्टेंस आता है। ये मेगा ओम में हमने रखा हुआ है, तो करीब आ रहा है 1.5 या 4 मेगा ओम। अब हम क्या करते हैं, अपना हाथ गीला कर लेते हैं। देखिए मग में पानी है, मैंने दाना हाथ गीला कर लिया, अब बायां भी गीला कर लिया। अब देखते हैं कितना आता है। देखिए बहुत 0.3 मेगा ओम हो गया, करीब 4-5 गुना कम हो गया। तो इसीलिए जब हाथ गीला होता है तो शाग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बॉडी का रेजिस्टेंस कम आ जाता है तो करंट बढ़ जाती है। वो इसलिए हो रहा है कि नाब और स्किन के बीच का जो रेजिस्टेंस है, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, वो कम हो गया, देख रहे हैं ना। तो गीला हाथ बहुत डेंजरस है। अब इफेक्ट ऑफ द पाथ ऑफ द करंट इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में करंट कहाँ कहाँ बहती है उससे भी फर्क पड़ता है कि हमें शॉक कम करंट पे लगेगा या ज़्यादा करंट पर। अगर करंट हृदय में बह रही है, हार्ट में, तो कम करंट पे ही हमको खतरा हो सकता है। देखिए इस फिगर में हमने दिखाया है कि हमारे इस हाथ में वोल्टेज लग रहा है और ये वाला हाथ अर्थ पे है, तो करंट ऐसे बहेगी, हट से जाएगी, तो ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे कम करंट पे ही खतरा हो जाएगा। हम मान लीजिए हम जमीन पर हैं, हमारा जो लेग है वो अर्थ से कनेक्ट है, अब करंट कैसे बहेगी, ऐसे। अभी भी हृदय से करंट थोड़ी बहेगी, हमें लो करंट पे ही खतरा बढ़ जाएगा। हम मान लीजिए हमें पैर में शॉक लगता है और हम जमीन पे खड़े हैं, तो जो करंट बहेगी शरीर में वो सिर्फ पैर में बहेगी, ऐसे, यहाँ हट में नहीं बह रही। इस समय हम ज़्यादा करंट ले सकते हैं या ज़्यादा वोल्टेज ले सकते हैं, जो भी कह लीजिए आप। अब हम देखेंगे कि एसी या डीसी का इलेक्ट्रिक शॉक पर क्या फर्क पड़ता है। यहाँ जो हमने करंट दिखाई है, लिखा हुआ है 9, ये मिली एम्पियर में है, ये वो करंट है जो हम ले सकते हैं। ये हमको पेन होगा लेकिन हमारे हाथ में कंट्रोल रहेगा, मतलब हम हाथ हटा के दूर जा सकते हैं बिजली से। तो वो करंट हमने दिखाई है 9 मिली एम्पियर, ये 60 हर्ट्ज पे दिखाई है, मगर 50 हर्ट्ज पे भी करीब इतनी ही होती है। अब देखिए अगर डीसी करंट है तो हम 62 मिली एम्पियर तक ले सकते हैं, करीब 6-7 गुना ज़्यादा है। तो एसी करंट ज़्यादा डेंजरस हुई ना लग रही है देखने में, मगर ये सत्य नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। देखिए एसी करंट 60 या 50 हर्ट्ज की है तो हम 9 मिली एम्पियर तक ले सकते हैं, लेकिन अगर वो 10 किलो हर्ट्ज की है तो हम 55 मिली एम्पियर तक ले सकते हैं। अगर 10 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हुई, 50 या 100 किलो हर्ट्ज, तो ये करंट और बढ़ जाती है। तो अगर हम ये कहें कि एसी ज़्यादा डेंजरस है तो ठीक नहीं होगा, हम ये कहना होगा कि जो एसी 50 या 60 हर्ट्ज की है वो ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि कम करंट पर ही हमें शॉक लगने लगता है या हम कम करंट ले पाते हैं। डीसी करंट है तो हम ज़्यादा ले सकते हैं, अगर एसी करंट हाई फ्रिक्वेंसी की है तो भी हम ज़्यादा ले सकते हैं।
ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए ये करंट कम है, जैसे यहाँ 9 थी तो यहाँ 6 मिली एम्पियर है, तो जो फीमेल हैं वो सिर्फ 6 मिली एम्पियर तक ले सकती हैं, उसके ऊपर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक फील होने लगेगा। और हर जगह फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो या डीसी हो या मिडिल फ्रिक्वेंसी हो, सब में ये करंट कम हो रही है। अब हम आपको दूसरा फिगर दिखाते हैं। वहाँ पे 9 मिली एम्पियर दिखाई थी, यहाँ पे हमने 16 मिली एम्पियर दिखाई है। इसको बोलते हैं लेट गो थ्रेशोल्ड। इसमें क्या होता है, पेन होता है और लॉस ऑफ वॉलंटरी मसल कंट्रोल, हमारा हाथ में कंट्रोल खत्म हो जाता है। मतलब अगर हमारी बॉडी में 16 एम्पियर करंट बह रही है 60 हर्ट्ज की, मान लीजिए इसमें करंट हमने पकड़ लिया, तो जो हमारी मसल्स होती है ना, वो मुट्ठी खोलने की ताकत उनमें ख़त्म हो जाती है, तो हम कहते हैं हाथ चिपक गया। और ये 16 मिली एम्पियर एवरेज है, ये टेस्टेड करंट है। जब बहुत से टेस्ट हुए बहुत से लोगों पर, तो वो करंट रेंज थी 10 मिली एम्पियर से लेकर 22 मिली एम्पियर तक, उसका एवरेज ये है। तो हम जो भी करंट यहाँ दिखा रहे हैं या इसके पहले दिखा रहे हैं, वो पर्सन पे पर्सन चेंज होती है, वो फिक्स नहीं है। किसी को कम करंट लेवल पर ही प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई ज़्यादा करंट ले सकता है। फीमेल के केस में यहाँ पर भी मेल से करंट के लेवल कम हैं, तो इनको शॉक ज़्यादा लगेगा या कम करंट पे ही शॉक लगने लगेगा। अब हम आपको फ्रीक्वेंसी प्लॉट दिखाते हैं। ये है लेट गो करंट मिली एम्पियर में और फ्रीक्वेंसी के बीच का प्लॉट। ये जो करंट है ये लेट गो करंट की लिमिट है, अगर करंट इससे ज़्यादा हो जाती तो डेंजर हो जाता है, फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस करंट के नीचे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा डेंजर यहाँ पर है, ये करंट है ना, ये करंट बहुत थोड़ी सी है, तो 50 हर्ट्ज पे बहुत कम करंट पे ही डेंजर लेवल आता है। अगर डीसी है तो थोड़ा ज़्यादा करंट है, और 50 किलो हर्ट्ज है तो बहुत ज़्यादा है। ये भी एसी है, ये भी एसी है, ये डीसी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एसी डीसी से डेंजरस है ज़्यादा। क्या हमें कहना चाहिए कि जो एसी 50 या 60 हर्ट्ज के आसपास होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है, और फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, डीसी हो जाए, या फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाए तो सेफ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब इतनी करंट बहेगी उसके ऊपर लेट गो करंट या डेंजर जोन आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक में जो बॉडी का मास है और टाइम ड्यूरेशन है उसका क्या असर होता है। तो हम आपको बताएंगे दलजियल इक्वेशन। देखिए यहां हमने लिखा है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन इन द हार्ट। इसका मतलब ये होता है जब ये होने लगता है उसका मतलब है कि हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है, जो हार्ट की धड़कन है वो बराबर नहीं आएगी, हार्ट बीटिंग बराबर नहीं होगी और हार्ट अटैक हो सकता है। वो करंट होती है के बाई स्क्वायर रूट टी मिली एम्पियर। ये जो इक्वेशन है वो है डलजियल इक्वेशन। इतनी करंट अगर बॉडी में बहने लगी तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये करंट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, जिससे ज़्यादा करंट पे हमें प्रॉब्लम हो, कम करंट पे प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे टी क्या है, टाइम, कितनी देर तक हमने करंट या वोल्टेज को छुआ, और के कांस्टेंट है, जो के की वैल्यू है बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। अगर मास 70 केजी है तो के है 157,
मास 50 kg है तो के है 116। तो बॉडी के मास पे भी ये करंट डिपेंड कर रही है और टाइम पर भी। अगर मास ज़्यादा है तो के की वैल्यू ज़्यादा है तो आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। अगर मास कम हो गया तो करंट कम हो जाएगी, कम करंट पे ही हमको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब अगर हम ये एग्जाम्पल लें और टी की वैल्यू 3 सेकंड ले लें तो 70 kg वाले पर्सन के लिए आई बराबर आता है 90 mA। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 90 mA करंट 3 सेकंड के लिए बहे तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है। मैं इसका एक और प्लॉट दिखाता हूँ आपको। देखिए, दिखाया हमने लेट थ्रू करंट और टाइम का प्लॉट। लेट थ्रू करंट क्या है कि इस करंट से अगर ज़्यादा हो जाए तो अनसेफ एरिया है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप देखिए, ये करंट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर करंट ज़्यादा है तो सिर्फ 30 मिलीसेकंड तक के लागू है, अगर करंट कम है तो 3 सेकंड तक के लागू है। तो बॉडी में करंट अगर कम बह रही है तो ज़्यादा देर तक बह सकती है इसके पहले कि हमको प्रॉब्लम हो। अगर करंट ज़्यादा है तो कम समय ही ए लागू है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कम समय में ही उसको डिस्कनेक्ट कर दें सप्लाई को। इसीलिए RCCB सर्किट ब्रेकर लगाते हैं जो बहुत जल्दी ट्रिप कर देता है। तो जल्दी ट्रिप करने से क्या होता है कि थोड़ी ज़्यादा करंट भी बह गई तो भी उतना रिस्की नहीं होगा। ये जो करंट है, बहुत सारी करंट हैं, जैसे एक करंट होती है कि कितनी करंट हम ले सकते हैं, फिर एक करंट होती है कि जहाँ पर हम मसल को अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो ऐसी करंट होती है कि हमको हार्ट अटैक हो सकता है। तो करंट के डिफरेंट लेवल हैं, डिफरेंट करंट पर डिफरेंट प्रॉब्लम आती हैं। अब ऐसे और भी पैरामीटर हैं तो एफेक्ट करते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा कम लगेगा या ज़्यादा, उनका भी असर होता है। जैसे DC ऑफसेट ऑफ वेव फॉर्म, उसके बाद अगर DC AC आ रही है कहीं तो उसमें AC की रिपल कितनी है। अगर DC सप्लाई को हम टच कर रहे हैं तो हम प्लस वाले को कर रहे हैं या माइनस वाले को। फिर व्यक्ति की हेल्थ कैसी है, जो करंट का कंडक्टर हम टच कर रहे हैं उसका एरिया कितना है। ज़्यादा एरिया को हम टच करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके बाद व्यक्ति की एज या उम्र कितनी है। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।